अगर इस बार हैप्पी भागी नहीं तो अगस्त में उससे मुलाकात जरूर होगी। पर मुश्किल यह है कि अब की बार कहानी में दो दो हैप्पी हैं। अगर दोनों ने भागने का प्लान बना लिया तो बहु प्रतीक्षित फिल्म हैप्पी भाग जाएगी के सीक्वेल का नाम हैप्पी फिर भाग जाएगी तय किया गया है। इससे पहले फिल्म के मेकर्स इसे हैप्पी भाग जाएगी रिटर्न्स कहकर प्रमोट कर रहे थे। यह फिल्म 24 अगस्त को रिलीज होगी। फिल्म के प्रोड्यूसर आनंद इल राय ने मजेदार तरीके से यह जानकारी दी है। इस बार फिल्म में हैप्पी नाम से दो दो किरदार देखने को मिलेंगे। एक निभाएंगी डायना पेंटी जो पहली फिल्म में थी, वहीं इस बार स्टार कास्ट में सोनाक्षी सिन्हा का भी नाम जुड़ गया है। मिली जानकारी के अनुसार उनके कैरेक्टर का भी नाम हैप्पी ही होगा। हालांकि शुरुआती दिनों में खबर आई थी कि सोनाक्षी सिन्हा फिल्म के सीक्वल में डायना पेंटी को रिप्लेस करेंगी, पर अब दोनों की हीरोइनें फिल्म का हिस्सा हैं। निर्देशक आनंद एल राय की फिल्म हैप्पी फिर भाग जाएगी को भी मुदस्सर अजीज ही डायरेक्ट कर रहे हैं। मुदस्सर अजीज ने बताया, इस बार फिल्म में पुराने सभी कलाकारों के साथ दो और लोगों को कास्ट किया जाएगा। फिल्म के निर्माता आनंद राय से बातचीत के बाद तय किया गया है कि इस रोमांटिक कॉमेडी में दो नई कास्टिंग की जाएगी। फिल्म हैप्पी भाग जाएगी रिटर्न्स में सोनाक्षी सिन्हा के अलावा मशहूर पंजाबी सिंगर जसी गिल भी नजर आएंगे। फिल्म की रिलीज की तारीख का ऐलान करते हुए उन्होंने लिखा, इस बार दो हैप्पी हैं और दोनों सही हैं। फिल्म हैप्पी भाग जाएगी के क्लाइमैक्स में जब हरप्रीत हैप्पी कौर ने डायना पेंटी भारत लौटते समय एयरपोर्ट पर बिलाल अहमद अभय देओल के कान में कुछ कहा था, तभी से कयास लगाए जा रहे थे कि फिल्म का सीक्वल जरूर बनेगा। करीब एक साल बाद फिल्म का प्रोजेक्ट फ्लोर पर गया है। फैंस को उम्मीद है इस रोम कॉम का सीक्वल भी मजेदार होगा।